जेन्युइन डिज़ायर है, ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं, और जब मैं उसमें फ़ेल होता हूं किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है, तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि एज़ यू विल नोटिस द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म, इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म, बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाज़न वर्किंग एंड अलाउ मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई विल एवर एवर बी ग्रेटफुल टू आदित्य चोपड़ा एंड सिद्धार्थ एंड देन टू दीपिका ऑफ कोर्स. मैं उसको ग्रेटफुल नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू बी पार्ट विद फ्रेंड्स एंड एन्जॉय दिस फिल्म. मैं वो चार साल भूल गया हूँ पिछले चार दिन के अंदर. These four days are the happiest. And thanks to all of you, जो लोगों ने पिक्चर देखी है, इसलिए शाहरुख चार साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ चार दिन याद कर रहे हैं, जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही है. जोरदार तालियां चाहिए पूरी टीम के लिए, come on! और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान किसी कोने में हो या आंध्रा किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को. और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, उफ, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए. तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूं. मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा ये दीपिका के लिए. दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं, कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे? हाँ नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे. आई नो, पिज्जा खिलाया बहुत बार. वाओ. बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, सो आई कुडंट हैव हिज पिज्जास टू ऑफन. बट या, ही इज अ गुड सिंगर. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं, या आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, कभी आपको गा के सुनाया जैसे अभी गा के सुनाया ना? वो तो हम लोग हैं इसलिए सुनाया. आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसे तेरी वो हवाएं हैं. वेरी गुड, वाह 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 वाह. दीपिका, तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की, कैसा फील कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली सबके करियर्स की सबसे बड़ी फिल्म है यार. मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ धीरे धीरे. ये तो सबके लिए है, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक वी सेट आउट टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, वी सेट आउट टू मेक अ फिल्म विद लव, विद द राइट इंटेंशंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक we had a good time. This is something Shahrukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think rose jab hum set pe jate hain aur logon ke sath kaam karne ka mauka milta hai jinko aap pyar karte ho, aur there's no tension, there's no, it's such a lovely atmosphere to work in. And I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives. That was the intention. It was pure. And I think that's what we're seeing today. Wow, kya baat hai. Is mein John maujood hain. John, Jim. क्या बात है यार. तो कैसा लगा आपको जब पहला नरेशन दिया गया का, इतना हैंडसम, धूम मचा ले, कम ऑन यू पीपल. सबके लिए गाना करूंगा जी. हाँ हाँ, सबके लिए. तेरी बारी भी आने. जॉन माइक्रोफोन लीजिए. तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल, मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको, क्या बोला गया था? नहीं, पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा, सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज. जो आदमी यहाँ पे नहीं है, आदित्य चोपड़ा, मैम आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजीशन करते हैं, जैसे धूम में, न्यूयॉर्क में और आज पठान में, आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग हियर फर्स्ट. उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे, आई थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग मी
and the entire cast for the way we've been presented. Congratulations, Sid. You're the hero of this film also. So, Lolly, congratulations. Wo Sid ka pet name hai, Lolly. Okay. और वेरी इम्पॉर्टेंट मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला. लाइक यू नो वी ऑल से शाहरुख टुडे इज आई डोंट थिंक ही इज एन एक्टर एनी मोर, ही इज एन इमोशन. क्या बात है, बिल्कुल सही. इट्स ब्यूटिफुल. इसीलिए आई नियरली वेंट टू किस हिम इन अ लॉट ऑफ द सीन्स. सो इट्स वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. एंड दीपिका के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले, बट सीइंग हर ग्रोथ ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी. जो मैंने कहा भी, वंडरफुल पर्सन. तो पहले तो, और इसके अलावा सॉरी आई जस्ट वांट टू थैंक अ फ्यू पीपल इफ इट्स ओके. हमारे जो एडिटर है आरिफ, हमारे राइटर अब्बास, हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन, सचित जो हमारे कैमरामैन है, रजत जो हमारे प्रोडक्शन, सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमेटोग्राफर है, और संचित हमारे जो BGM है. आई थिंक यू ऑल एंजॉय द BGM इन दिस फिल्म. आउटस्टैंडिंग. विशाल शेखर हु हैज गिवन टू फैंटास्टिक सॉन्ग्स विदाउट मी, बट फैंटास्टिक सॉन्ग्स. एंड यू नो व्हेन यू सी दोस सॉन्ग्स एंड यू सी शाहरुख एंड दीपिका, आई थिंक यू सी प्रॉबेबली द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन दैट सॉन्ग. दे आर ब्यूटिफुल. So congratulations. So I think inko aur and the entire team, Manan and all of you, Akshay Vidani and everybody at Yashraj, jis tarike se inhone is film ko mount kiya hai, I think that's very important. You know, a producer is the real hero of a film. I think he's on top there, and I think Aditya Chopra deserves all the praise. And when you see someone like Shahrukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say main socha tha ki main action hero, but I think Shahrukh is today the number one action hero in the country. Yeah. So it's just a nice gathering here. Mujhe pata nahi ye hamari life ka, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but I just wanted to thank everybody who's important. Ye mere liye bahut zaruri tha. So thank you everyone, and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You all have been superb, superb. And all Shahrukh Khan fans, all Deepika Padukone fans, and some of my fans, I love you, all of you, I love you a lot. You have been fantastic. So I think I've covered most of. वेरी गुड. प्रोड्यूसर नहीं है मतलब प्रोड्यूसर काम पूरा कर दिया आपने. नहीं, ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि आदित्य चोपड़ा इज अ लिटिल लाइक आई बिलीव लाइक मी, बिकॉज आई लाइक बीइंग प्राइवेट, और वो बहुत ही प्राइवेट आदमी है. आई थिंक शाहरुख नोज हिम द बेस्ट. ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ, ही डजंट कम आउट इन द मीडिया. तो उनको थैंक यू कहना बहुत जरूरी था. ही इज रियली वेरी फैंटास्टिक. क्या बात है, मतलब पूरी टीम को लाना, एक साथ बनाना, और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए. कम ऑन गाइस. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. तो हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख, और आप अपने गाने से सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं पीछे से. आप वो मैं करूंगा. करेंगे ना आप? करेंगे इसके बाद. ओके, तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार, मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे 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 मैसेजेस आने लगे, लोगों के रिएक्शन आने लगे, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार, मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग इट, ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 डेज बिफोर द रिलीज, दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा. और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर मैं गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पर, और मैं हमेशा 12:45 बजे उठा हूँ हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे आई थिंक 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज़ हो रही थी सुबह, तो ऑब्वियसली 6 बजे से हम
हमारी धक 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 शुरू हो गई थी एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते हैं, बहुत गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ. ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसे ना सुबह सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. ओके, मैं भी उठ गया. हाँ. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा मैं. तो मैं बहुत डर गया और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ. मैं हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माइसेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाफ पे कहूँगा कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ स्टिल नॉट सन्क इन. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, ऑल द मीडिया, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से द पावर्स दैट बी, बिकॉज दे वर टाइम्स वेन वी हैड टू मेक कॉल्स टू पीपल एंड से कि प्लीज़ हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज़ करवा दें. एंड दे ऑल टुक चार्ज ऑफ इट एंड वी वर सो हैप्पी दैट द फिल्म वॉज रिलीज विद सो मच. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें. हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चला, मुझे लगता है 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी. बट स्टिल इट शुड नॉट हर्ट एनी वन, इट शुड नॉट डिस्टर्ब एनी वन, बिकॉज फिल्म वॉचिंग, फिल्म मेकिंग, फिल्म एक्सपीरियंस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लव. And we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world. Because film ka aur kuch kaam nahi hota, choti si cheez hoti hai yaar. Actually, film mein kuch badi cheez nahi hai. Entertainment hai, khushi ka ek zariya hai. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, aur na bhi achhi lage, to koi baat nahi. हर तरह की चीज़ें आती हैं, अच्छी और बुरी, बट आई थिंक देर शुड बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लव एंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फैमिलीज गो टू वॉच फिल्म इन सिनेमा थिएटर्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, दे शुड जस्ट फील हैप्पी दैट दिस फिल्म वॉज एन एक्सपीरियंस मोर देन जस्ट एन एम्प्टी पैक ऑफ पॉपकॉर्न्स. इट शुड बी नाइस एंड आई एम सो हैप्पी इट्स हैपन. आई लव यू टू. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद. नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देना. आई बी देर. Happy New Year to you too. सिर्फ प्यार दे रहे, प्यार दे रहे. शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी दो भाई. मंडा बंडी. शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे OTT ये वो बहुत सारे होते थे. तो शाहरुख बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिल्म कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन होगा. अगर आप अपने परिवार के साथ मज़े करने जाना चाहते हैं, आप जाइए किसी, आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए पूरे दिन भर में, इन्जॉय कीजिए. उसमें से 2-3 घंटे हमारे लिए भी रख दीजिए आप, और उसके बाद आप खूब बच्चों को खिलाइए कूदिए. लेकिन कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन हो जाएगा. और वाकई शाहरुख इतने सालों बाद, 15 साल के बाद वही फील कर रहा हूँ जो इन्होंने बोला था, और ये आपने सेम चीज़ रिपीट की, इसलिए कंग्रेचुलेशंस. शाहरुख कैसा लगता है, अभी मैं देख रहा था कल या परसों कुछ वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचित लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग बता रहे थे कल शाम को इतने हज़ारों लाखों की जनता वहाँ मौजूद थी और आप सबको इस्तकबाल कर रहे थे. कैसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट. एंड मुझे, थैंक यू, मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं. अगर कुछ चीज़ ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आर लाइव्स. लाइफ इज लाइक दैट, इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, दैट दे विल बी गुड डेज एंड दे विल बी बैड डेज एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज. तो मुझे किसी ने कहा था देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर.
उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं. एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं. सो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ. कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे हमेशा उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है. पांच सौ करोड़ पूरे अच्छा एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को उसके. अच्छा एक काम करते हैं, दो मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे. ये अनुराग को पता नहीं है दो मिनट में कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगेगा. दीपिका गेटी गैलेक्सी गई थी आप और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूँ जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल हैं. तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में इतनी पब्लिक, इतना क्या क्या रिएक्शन था आपका उस समय? ओह मैंने कहा था ना देखो आंखों में आंसू आ जाएंगे. खुशी की यस ऑफ कोर्स. It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है इतने दिनों से, मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे बट फाइनली बाहर जाने को मिला. और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ. बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, स्पेशली आई थिंक वॉट द वर्ल्ड हैज़ बिन थ्रू, the fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration, it almost feels like a festival ki kuch tyohar hai. Yes. And the fact that we've been able to this sort of festive celebration in the air, it feels incredible. And most importantly, jaise maine kaha, when you work with honesty, when you work with integrity, when you work with, you put your head down and you just keep going, and when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. kya baat hai Deepika, abhi kis baat mein aap emotional ho gayi thi, zara bataiye kaise ye khushi ke aansu kis baat ke the, are kaun si baat lag gayi aapko, please share kijiye. are zaruri hai, hazaron log jana cha rahe hain, koi si baat to aapke dil ko touch ki, bolo na. तो अधिकतर शाहरुख के साथ जितनी भी फिल्में की आपने, माइंड ब्लोइंग थी जैसे आप पर्दे पर आती हैं, जब आप फाइट भी कर रही थी तो ओफ लोगों ने इतनी तालियां बजाई ना. यस तो अधिकतर तो आप प्यार करती हैं लेकिन इस बार तो आपने लड़ाई भी की इनसे, है ना? तो इस केमिस्ट्री के बारे में बताइए कैसी रही ओवरऑल, क्योंकि अधिकतर फिल्मों में ऐसा होता है ना कि आप जब जोड़े में होते हो प्यार होता है, अलग किस्म का होता है केमिस्ट्री, इस बार कुछ अलग था. और हर मुलाकात में रिश्ते बदलते हैं ध्यान रखिएगा, तो कैसा रिश्ता रहा इस बार का? That you still, the chemistry is still so palpable, but our characters were so different. I don't think you've seen either of us play characters like we have in Pathaan. But I think what makes it special is beyond what's on paper. I think whether it's Om Shanti Om, whether it's Chennai Express, whether it's Happy New Year or now, or even Love Mera Hit Hit, that one song. Yes. That we did. I think what makes it special is the relationship that we share, the love that we share, the trust that we share. I have great respect for him as an artist, but even more as a human being. I wouldn't be here today, and everyone knows that. I wouldn't be here today if it wasn't for Shah Rukh Khan and his vision for me.
एंड इवन देन इन माई फर्स्ट मूवी मुझे कुछ नहीं पता था, आई नेवर बीन ऑन अ फिल्म सेट, बट टू शावर मी विद सो मच लव एंड ग्रेस, ही इज़ गिवन मी कॉन्फिडेंस. आई डोंट थिंक इवन ही नोज दैट आई डू वॉट आई डू विद कॉन्फिडेंस बिकॉज आई नो ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी. And I think it's that relationship that eventually translates on screen and you see these amazing characters and this amazing chemistry. Kya baat hai. Aur Deepika ko pata tha jab wo bolegi na, Deepika ko Deepika 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 Deepika. ओके बस अब मैं ही लूंगा उसका नाम प्लीज. थैंक यू गाइस. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब दीपिका मुझे फिल्म में बोलती है पठान आई एम सॉरी, उसको पता था कि मैं फिर दौड़ा दौड़ा वापस चलाऊंगा उसके पास. ही नोज डीप डाउन इनसाइड. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन अ स्मॉल थिंग, सॉरी आई डोंट मीन टू टेक अवे टाइम ऑफ एवरी वन ऑन स्टेज, लेकिन इस फिल्म के दौरान एक बहुत स्पेशल चीज़ थी. आदि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, सिद को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनकी खूबसूरत वाइफ हैं जो दिल की बहुत ही अच्छी हैं, ममता. जॉन लाइक आई सेड आई हैव नोन दीपिका, बट आई टेल यू व्हाट आई फेल्ट ऑन द सेट, बिकॉज आई वाज कमिंग ऑन द सेट्स आफ्टर मेनी इयर्स, अ कपल ऑफ इयर्स और मोर देन दैट, एंड एवरी शॉट दैट वी हैव गिवन इवन बिफोर वी हैव वॉक्ड इन हियर फ्रॉम बैक स्टेज, आई नो इन एवरीबडीज हार्ट दैट इज दीपिका, जॉन, सिद, all the people, Adi, Mamta, everyone who's involved with this film, the technicians, sabko har roz sirf ek hi baat dil mein aati thi ki yaar ye film Shahrukh bhai ke liye achhi ho. Aur Deepika Shahrukh bhai nahi bolti. Just clarifying guys, aisa kabhi galat kuch nahi ho jana chahiye, because hum itni film mein karne lage hain bhai behan na log samajhne lage hain, koi bilkul galat ho jayega. But everybody else I know has felt this. I could feel it every day, whether I was working with even some foreign technicians, somehow they also realized. So I'm very grateful for all the love all these beautiful friends of mine and their families have given me, because I was also low on confidence. Aisa nahi hai ki Shahrukh Khan bada acha bolta hai stage pe to confident hi hoga. I'm very proud to say I get scared sometimes, I feel sad sometimes, I lose confidence many a times in a day, and that's why I keep going. Because the weaker you are, the stronger you can become. But these are the people. All of them give me lot of strength and love. आप क्या करते हैं motivation के लिए? कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले बाहर बोले कि हम शाहरुख की फिल्में देख लेते हैं, हम motivate हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने business को लेकर. लेकिन शाहरुख खान किस चीज़ को देख कर करके बहुत motivate हो जाते हैं? मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ. जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ. टंग 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 टंग. अच्छा सिड, यू कैन मेक मी सिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म प्लीज नेक्स्ट टाइम. हाँ, आज पूरा ऑडिशन चलेगा यहाँ पे. सिद्धार्थ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगली फिल्म में आपको जी समझ रहे हैं ना आप. ऐसे 17 रिकॉर्ड टूटे हैं इस पठान के दौरान, क्योंकि 100 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो अपने आप में हैं, यूनिक हैं. सबसे पहली बात तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सब की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए. फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार तालियां पठान के लिए. सबसे हाईएस्ट फास्ट मतलब फास्ट 200 करोड़ इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. 250 करोड़ जोरदार तालियां होनी चाहिए. और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट तेज फास्ट अगर किसी ने बनाया वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. जिम का कैरेक्टर इतना कमाल था और इतना हैंडसम लड़का था. हाय, मेरे पड़ोस में 3-4 कन्याएं बैठी थी तो बोले अरे देखो ना. तो कौन सा कैरेक्टर आपको लगा जिम का कि यार ये मुझे बहुत, ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमाल लगा मुझे? क्या लगा आपको? नहीं सिद्धार्थ ने आपसे जी. पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी जिसने मेरी स्टाइलिंग की पठान में, वाइट शॉर्ट्स जो मैंने पहने थे जी, 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 उसी की बात कर रहा हूँ मैं. ममता यहाँ पे है. ममता थैंक यू सो मच. ममता आज फाइटर के प्रोड्यूसर है एंड शी इज सिद्धार्थ आनंद वाइफ, लवली वाइफ, शी स्टाइल्ड मी. तो ममता थैंक यू सो मच. और हमारे जो एक्शन डायरेक्टर्स है केसी, क्रेग और रॉड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें. आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि
जो भी सारे जितने सारे एक्शन सीन्स शाहरुख और मेरे थे, डिड यू लाइक द एक्शन? तो एक्शन शॉट्स के बीच में शाहरुख और मैं वी यूज़ टू हैव टी, हेलो जॉन हाउ आर यू एंड नेक्स्ट बूम 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 बैठ के, बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, वी हैड अ ग्रेट टाइम. तो इनको क्रेडिट देना चाहता हूँ आई थिंक, एंड द वे शाहरुख एंड दीपिका ऑल्सो हैव बीन स्टाइल्ड बाय शलीना, आउटस्टैंडिंग. तो आई थिंक क्रेडिट टू ऑल दीज पीपल फॉर मेकिंग द फिल्म लुक सो गुड. मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि यही एक मौका है मेरे पास. आई नो जॉन, समझ रहा हूँ कि प्रोड्यूसर काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं. शाहरुख नहीं मैं, जॉन इफ यू डू मोर इंटरव्यूज देन यू कैन से मोर थैंक यूज. सो आई जस्ट आई वॉन्ट टू से वन थिंग विच आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज मैं एज में तो इन दोनों से छोटा हूँ, दीपिका से भी और जॉन से भी. हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो बिकॉज मैं 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चरों में. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, सो इट शुड नॉट साउंड पेट्रनाइजिंग बट आई एम टॉकिंग एज एन ऑडियंस. आई जेन्युइनली फील, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, बट जब मैं जॉन को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं. बट आई रियली डू बिलीव द बैकबोन ऑफ पठान एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर एंड एसेइंग दैट रोल, द बेस्ट थिंग इन पठान इज जिम प्लेड बाई जॉन. दूसरा, जॉन को पिक्चर में लो, जॉन को पिक्चर में लो तो कपड़ों का खर्चा भी कम होता है. निक्कर बस पहन लो हो जाएगा, तो वो भी अच्छा होता है. एंड यू नो टू प्ले अ बैड गाय हु इज सो, नॉर्मली बैड गाइज जब लोग प्ले करते हैं तो सिर्फ शक्लें बना रहते हैं, बट टू बी राइटली बैड एंड टू जस्ट टेक अ सिनिकल व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. And obviously the director, the writers, everybody has justified the character. But to play it with such strength. And second, I just want to tell everybody ki mujhe gina chuna hi action aata hai. Main bahut koshish karta hoon, mehnat karta hoon. But in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. Ye baar baar rehearsal karte the to mujhe aisa lagta tha ki ye seekhna chahta hai. 3 din ke baad mujhe samajh mein aaya ki he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. Oh, lovely shot. Siddharth, matlab that's the romance. That's the real romance. Bromance. Hain kahin par lekin dhaad bhej rahe hain. अच्छा, जस्ट वन करेक्शन, शाहरुख खान इज नॉट बैक, ही हैड जस्ट गॉन फॉर अ लू ब्रेक, ही इज ऑलवेज देयर. सिद्धार्थ, आप तो नंबर 1 डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. या हो चुके हैं, हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जोरदार तालियां चाहिए. आप बोले ना बोले, अच्छा लो, नहीं, वो आप बोल सकती हैं. देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है एक्चुअली, सुनाई नहीं दे मुझे. नंबर 1 हीरो ने क्या बोला है? नंबर 1 हीरो ने बोला कि आपका पेट नेम बोला है. जी. क्या नाम है, पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको. बहुत प्यार से मुझे नंबर 1 डायरेक्टर बोलते हैं. तो नंबर 1 डायरेक्टर, प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सीक्वेंस था जी, ये बहुत ही यूनिक था और आई थिंक हिंदुस्तान, मतलब कौन सा 6 सीक्वेंस है फाइट के भाई इस फिल्म में? भाई इस फिल्म में जी, इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी, इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे, मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं थे जी. तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था कि यार फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जॉन और शाहरुख हो? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का और जॉन का एज एंटेगनिस्ट बहुत प्रॉमिस देता है कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2-3 बार 5 दिन में देखने के लिए. ऐसा ज़्यादातर एक्शन फिल्म्स में होता नहीं है, बट आप में से सब किसी ना किसी को तो जानते होंगे जिसने 2 बार देखी होगी पिक्चर. देख लो भाई, मैंने भी 2 बार देखी है. तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाएं. एक्शन बड़ा तो होगा बट आई थिंक एक्शन को स्क्रिप्ट करना ज़रूरी है, जो हमने किया, काफ़ी मेहनत की, 2 साल स्क्रिप्ट की इसको, एंड इसलिए आप इतना एंजॉय कर पा रहे हैं. वरना एक्शन विदाउट इमोशन बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद. एंड इन्होंने एंटरटेनिंग रखा, बहुत रिहर्सल्स की और बहुत मज़ा आया शूट करने में एंड ऑडियंस को देखने में. क्या बात, स्क्रिप्टिंग यस एक्शन में,
पहली बार शायद हिंदुस्तान के. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल बिकॉज ये लोग जो हैं सबके सब बड़े शाय हैं, स्पेशली सिद्धार्थ एंड जॉन, ज़्यादा बातें नहीं करते. बट ऑनेस्टली स्पेशली विद दीपिका एंड माई सेल्फ एंड जॉन ऑल्सो, सिद्धार्थ जब एक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है उसको बहुत मद्देनज़र रखते हैं. आई थिंक ही इज़ एंड एक जो सेट के ऊपर खुशी का माहौल रखते हैं. इट नेवर लुक्स लाइक, बिकॉज वेन यू आर डूइंग स्टंट्स विच वी हैवंट डन एंड वी हैव वी आर स्केयर्ड टू डू इट फर्स्ट टाइम आफ्टर रिहर्सल ऑल्सो, तो डर तो लगता ही है. लेकिन द वे सिद्धार्थ कीप्स द एटमोसफेयर, यू बिकम सो रिलैक्सड ऑन द सेट्स. आई नो जॉन इज यूज टू डूइंग इट, मे बी दीपिका एंड माई सेल्फ हैव डन दिस लेवल फर्स्ट टाइम, बट द वे सिद्धार्थ ट्रीटेड अस ऑन द सेट, उससे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये हम बड़े आराम से कर लेंगे. इवन इफ इट गोज रॉन्ग, द वे ही ब्रिंग्स इट बैक विदाउट क्रिएटिंग टेंशन, आई थिंक हिज बिगेस्ट. ऑफकोर्स ही इज मेड लव स्टोरीज, ही इज मेड एक्शन फिल्म्स, एंड इंशाल्लाह ही विल मेक ड्रामास. वॉर वॉज अ ड्रामा एक्चुअली. देयर वर सो मेनी वंडरफुल जॉनर्स दैट ही कैन कॉन्कर एज अ डायरेक्टर, बट द वे ही कीप्स एक्शन ईजी एंड फ्लूड एंड हैप्पी ऑन द सेट्स is absolutely marvelous and fantastic, jo atmosphere set pe karte hain. So lot of it has got to do with Siddharth's own nature on sets, ki action ko kis tarah se ye treat karte hain with goodness and happiness on the set. Kya baat hai, bahut badi baat boli hai. Success hamesha safalta jo hoti hai kai logon ke dimag kharab kar deti hai, kai logon ko pagal bana deti hai, lekin hamesha success ke piche kuch log aise jo daudte nahi hai, sirf apna kaam karte hain. maine adhiktar Shahrukh ke interview mein suna hai ye baat. kya bhook hai bhai ye, ऐसा लगता है कि यार और काम ऐसा, करना ऐसा है? नहीं है यार कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ. प्लीज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. वो तो है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है. शाहरुख नई बात कीजिए आप, शाहरुख नई बात कीजिए, आप तो हैं बेस्ट. नहीं अच्छा, मैं एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ और बदतमीज हूँ. मैं नहीं हूँ. सुबह यही सोच सोच कर हमको उठना है. Yes. कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे. अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे. सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट एवरीबडी इज बेटर देन यू. यू हैव टू वेक अप विद द कॉन्फिडेंस कि आई एम द बेस्ट टुडे एंड आई विल डू माई बेस्ट, देन यू सक्सीड. सो दैट्स व्हाई आई से आई एम द बेस्ट, नॉट बिकॉज आई रियली बिलीव आई एम द बेस्ट. एंड सक्सेस के पीछे बहुत लोग होते हैं और आज हम जेन्युइनली मैं It should not become boring because we are entertainers, but there's so many people to thank. Like John talked about so many people, Shalina and the teams. And I would take a moment to tell Deepika also, our personal teams who have been so loving and helpful through this. Arun, Raj, Ravi, Bengali, Sudhir, Pooja. They've worked so hard on each one of us. And क्योंकि ना unit बहुत छोटा था, क्योंकि COVID में film shoot हुई है. We kept it very small. So it became very, very important. जो हमारे लोग हैं they enjoy the film as much. They're not just working on a film. And I think everybody's emotions have come into it and helped us. And Deepika, you should also mention all your people because इसके बहुत Hollywood type लोग हैं साथ में, तो मैं उनके नाम याद नहीं रहते. Half our people are the same. But Shalina, who's done the styling for both of us, Mamta, who's done John's styling, Anil Chinnappa, who never likes to be seen anywhere, but we've been working together for as long as I've been a model, 15 years. Yani Sapatori, who's also I've been working with now for the last many, many years. This is in fact his first movie, guys, so give him a round of applause. Sanu, who has been with me from the start of my career. Vishal, who's also been with me from the start of my career. Jalal, who's a star himself, everyone knows him. Everyone at Collective, Vijay, Anjali, Tina, Jaya. It's endless, guys. It's a long, long list of people. But I think the point being that... No, you say it first. No, I think the point being that the actors and the director and the producers always walk away with all the credit. And that's the reason at the end of a movie, you always sit and wait till the credits are over, because every single person, even your van driver, who's responsible for making sure your van reaches there so that you can get ready, the generator person, the first person who comes and puts that light on every morning so that you can go and shoot, right?
And that's why I think it's so important to sit there and watch all of these credits in respect for all of the work that has gone in. We walk away with all of the credit, everyone saying we look amazing and this film is amazing, but none of it would have been possible without all of these incredible people. Kya baat. Also, Meenakshi, Venki, Peru, but, Abdul, everybody. Yeah. And sorry, my manager is such a big fan of Shah Rukh. She, first day she wore a t-shirt for him, "You're my favorite." So I was like, she's blushing. She, and she said, "You destroyed my idea." Nigar bada meri cycle khadi hai, cycle pe baith ke tere paas. But to be honest, jo bhi log film banate hain, sirf hum nahi, sab log jahan pe bhi, north mein, south mein, east mein, west mein, central mein, kaun si bhi bhasha mein film banate hain, I think sabka maqsad ek hi hota hai ki we should spread happiness, brotherhood, love, kindness. Even when I'm why we make films, we love you to give us love. Hum bhooke hain prem ke. हमको जब वो मिलता है आपका अभी जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाए वो जरूरी नहीं है. ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं. और जैसे ही वो हमका हमारा मार्गदर्शन दिखाएंगे, हमको मार्गदर्शक बनेंगे. एक एक शर्त पर आप वो बेशरम रंग वाला स्टेप करेंगे. ज्यादा पहने हुए हैं. हमें प्रॉब्लम नहीं है, बटन खोल दो. ममता जॉन की निक्कर दे. बट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अनुराग फॉर बीइंग सो वंडरफुल. आई नो वी कैन कीप ऑन एंड ऑन बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन. This is not talking about the film, and believe you me, this is not to promote the film. All of us here believe that. Thank you, Yashraj team and my team. And apologies, we haven't been able to meet you. Inshallah, we will meet again and again. Thank you to all the fans. Thank you to all the powers that be that has helped us release the film beautifully.